हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निर्मला और अशोक निर्मला ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज मैंने अचार की रेसिपी शेयर करी हूं आपके साथ। वैसे तो मैं भूल गई पूरा वीडियो आपको दिखाना, पता नहीं मेरे कैमरे के साथ क्या हुआ, पर लास्ट का व्यू मैं लेके आई हूं जिसमें मैंने अचार में सारे मसाले तो डाल दिए, लेकिन आपको बता सकती हूँ कि क्या क्या डाला है, दिखा सकती हूँ उसमें कि क्या है। काला जीरा है, मेथी है, सौंफ है और पीली सरसों है, इतना ही मैंने इसमें डाला है। तो मैंने स्टार्टिंग में अच्छे से वॉश करके उसको धूप में सुखाया कैरी को पहले, क्योंकि कैरी आजकल बाज़ार से कटी हुई आती है। फिर उसका पानी निकल गया तो उसमें मैंने हल्दी डाली। 5 किलो कैरी थी तो उस हिसाब से मैंने 200 ग्राम उसमें हल्दी और 400 ग्राम उसमें नमक डाल के उसको धूप में रख दिया। तो धूप में रखने के बाद उसने पानी छोड़ दिया, पानी भी इतना सारा छोड़ दिया। फिर मैंने उस पानी में मेथी डाली, सौंफ डाली जिससे कि वो भीग जाए और पानी को सोख ले। फिर भी पानी एक कटोरी जितना पड़ा था उसमें, तो मैंने उसमें पीली सरसों भी डाल दी। ये 2 दिन में किया मैंने, एक दिन डाल के छोड़ा मेथी को, दूसरे दिन मैंने सरसों को डाला क्योंकि उसमें पानी था। फिर सोख कर गए तो अगले दिन मैंने उसमें लाल मिर्च पाउडर, 200 ग्राम लाल मिर्च पाउडर डाला उसमें, और 100 ग्राम जितना धनिया पाउडर और एक मीडियम साइज़ के चम्मच जितनी हींग डाल के उसको रख दिया। तो अभी इसमें देखो तेल नहीं डाला हुआ है, ये अचार ऐसा बना है। देखो ये सामान डाल के उसको एक दिन ऐसे ही छोड़ दिया लगा के, और धूप नहीं दिखाई इसमें। अब धूप बिल्कुल भी नहीं दी हुई है, अंदर ही रखा था अचार, इतने दिन अचार अब बाहर मैं धूप में देती। अब इसमें मैंने सोचा कि चलो ये मसाले तो डल गए, अब इसमें तेल डाल देते हैं। तो डब्बे में भर के अचार को और इसमें तेल डाल दिया है। ये मैंने अचार जितना डूब जाए उतना तेल डाल दिया है। तो मेरा एक डब्बा बड़ा वाला भर गया और एक छोटा वाला डब्बा भर गया, आधा जितना भर गया। तो उसमें तेल डाल के उसमें भर के उसमें कपड़ा बांध के ऊपर, क्योंकि तेल मैंने कच्चा डाला है सरसों का, तो मैंने ऊपर कपड़ा बांध दिया है। इसके कपड़ा बांध के फिर इसको धूप में रखा है ताकि एक दिन मैं इसको धूप दे सकूं अचार को डब्बे के अंदर से। फिर ये अचार तैयार है, मैं इस पे ढक्कन लगा के अंदर रख दूँगी और जब मन चाहे तब निकाल के खा लेंगे अचार। मेरे हाथ का अचार ख़राब तो बिल्कुल भी नहीं होता है, तो ये अब मैं रख दूँगी अचार, और स्वादिष्ट भी बहुत बनता है, हर साल डालती हूँ। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।